आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। झारखंड की उपराजधानी दुमका के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के संचालन पर सवाल खड़े हो गए हैं। दुमका के दो स्कूलों में मिड डे मील के संचालन में लापरवाही बरतने की बात सामने आई है। बच्चों को मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिल रहा है और जो भोजन बच्चों के बीच परोसा जा रहा है वो पूरी तरह से हेल्दी है या नहीं, इस पर राज्य खाद्य आयोग ने सवाल उठाया है। यह खुलासा दुमका में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और आयोग की सदस्य सबनम प्रवीण के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ है। आयोग की अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य सबनम प्रवीण अचानक सरकारी स्कूलों में बच्चों के बीच परोसी जाने वाली मिड डे मील योजना का जायजा लेने के लिए दुमका के दो स्कूल में पहुंच गए। आयोग की टीम के अचानक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ने बच्चों के बीच बैठकर मिड डे मील खाया और बच्चों से इस पर बातचीत की। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी स्कूल में मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं दिए जाने पर नाराज दिखे और मौके पर मौजूद शिक्षक विभाग के अधिकारियों को इसकी लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने मिड डे मील में दी जाने वाली भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखने को कहा और कहा कि अधिकारियों में मानवीय संवेदना होनी चाहिए। अधिकारियों को कभी खुद स्कूलों को विजिट कर बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खाना चाहिए ताकि बाकी स्कूलों में यह पता चल सके कि वाकई में बच्चों को मेन्यू के अनुसार हेल्दी भोजन दिया जा रहा है या नहीं। अगर किसी तरह की लापरवाही सामने आए तो उन्हें दुरुस्त करने का दिशा में ठोस कदम उठानी होगी। स्कूल में जो आज मैं गया तो स्कूल में मैंने देखा कि जो स्कूलों के बाहर मेनू डिस्प्ले किया गया है उस हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है और भोजन की गुणवत्ता खराब है ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था और इसलिए मैं बच्चों के साथ बैठकर मैंने इसलिए खाया ताकि मैं देख पाऊँ कि वो भोजन के लायक है कि नहीं। ये दुखद स्थिति मैंने देखी, बहुत सुखद तो नहीं थी, लेकिन जो बच्चों के को इसलिए दिया जाता है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, अगर उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, उनको जैसे स्कूल में जहाँ गए वहाँ पर ये बताया गया कि दाल पूरा सीझा हुआ नहीं था, पका हुआ नहीं था, ये बताया गया हेडमास्टर द्वारा कि वो पानी ऐसा है कि उसमें दाल पकता नहीं है, तो उसके क्या निदान है, कैसे रास्ते निकाले जाएँ ताकि हमारे बच्चे प्रभावित ना हो, ऐसी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और हम जब जिला मुख्यालय से हम राज्य मुख्यालय जाएंगे तो हम विभाग से इस बात के लिए पत्राचार करेंगे, विभाग से को से आग्रह करेंगे कि ऐसी स्थितियों से निपटने के कोई तरीके निकाले जाएं ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। और मैंने ये सभी पंचायत के मुखिया से आग्रह किया है कि वो देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।